मोदी जी मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा होठों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएँ 1500 की आती हैं, तो 3000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद। साथियों, जन औषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिवस नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का, एक आत्मीयता का ये प्रसंग है जिनको इस योजना से बहुत कुछ लाभ हुआ है, बहुत राहत मिली है। उनके माध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ अवश्य लें। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम चार सूत्रों पर काम कर रहे हैं। पहला, हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए। दूसरा, अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले। तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को समझना, उसका समाधान करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका लाभ भी और अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से
बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है करीब करीब 2,250 करोड़ रुपए, इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के 1,00,000 करोड़ परिवार के 2,250 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है।